रवि की ग्रेटर नोएडा में नई जॉब लगी थी। उसके कॉलेज के दो दोस्त भी इसी शहर में जॉब करते थे। कंपनी की तरफ से उसको एक घर प्रोवाइड किया गया था। ये घर शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। रवि ने घर में थोड़ा सेटअप किया और फिर डिनर में ऑमलेट बनाकर खाया। फिर उसको प्यास लगी तो उसने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। अरे, एक बोतल भी नहीं है इसमें तो। कहकर उसने वॉश बेसिन का नल खोला तो उसमें भी पानी नहीं आ रहा था। शिट यार, इतनी प्यास लग रही है और यहाँ पानी का जरा भी इंतजाम नहीं है। कहीं आस पास कोई घर भी नहीं है, कहाँ से इंतजाम करूँ? ऐसा कहकर उसने खिड़की खोलकर देखा जो कि घर के पीछे की तरफ खुला करती थी। वहां उसको एक कुआं नजर आया। शुक्र है कुआं तो नजर आ रहा है। उसने एक छोटी बाल्टी ली और घर से निकलकर कुएं के पास गया। उसने रस्सी में बंधी हुई बाल्टी कुएं में डाली। जब वापस खींचने लगा तो बाल्टी कहीं अटक गई। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे वहां एक शख्स नजर आया। ये कैसे हो सकता है? क्या कुएं में कोई है? जब अपनी कोई एक ख्वाहिश आजमा कर देख सकते हो। ये क्या हो रहा है? भला ऐसे कोई कुएं में कैसे हो सकता है जो पानी देने के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करे? ठीक है, मुझे पानी के साथ साथ मुझे सोने की अंगूठी भी भेज दो। ऐसा कहकर उसने रस्सी खींची तो वो आराम से ऊपर आने लगी। जब बाल्टी उसके हाथ में आई तो उसके अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये क्या है? उसने हाथ डालकर उसे निकाल कर देखा तो ये एक सोने की अंगूठी थी। ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? अब तक रवि समझ रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अपने हाथ में पकड़ी चमचमाती अंगूठी को देखकर अब उसकी आंखें चौंधिया आ गई थी। खैर, उसने पानी पिया और फिर वापस अपने घर को पहुंचा। सुबह उठकर जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एक बार उसने खिड़की खोलकर कुएं को देखना चाहा, लेकिन अब वहां कोई कुआं नहीं था। ये सब हो क्या रहा है? क्या यहाँ कोई कुआं था ही नहीं? कहीं रात में मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? तभी उसका ध्यान हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ा। उसको यकीन हुआ कि रात को उसने जो भी देखा वो सपना नहीं था। मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ऑफिस का पहला दिन है, जल्दी से निकलता हूँ। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वो वापस आया तो कुआं अपनी जगह पर मौजूद था। ये कुआं तो मायावी लगता है, शायद इसी वजह से दिन में गायब हो जाता है। अब है तो अपने लिए कुछ पैसे मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने बाल्टी को कुएं में फेंका और बोला, मुझे अभी कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। ऐसा कहकर उसने बाल्टी को वापस खींचा तो उसके अंदर उसको प्लास्टिक बैग में लिपटा एक पार्सल नजर आया। उसमें नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थी। अगले दिन रवि जब ऑफिस से घर आया तो उसके मोबाइल पर निशा का कॉल आया। रवि, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। तुम कई दिनों से नोएडा आ चुके हो और अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने की जरा भी कोशिश नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, शिफ्टिंग में लगा था ना, तो बस। तो ठीक है, अब तो फ्री हो ना? हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल ऑफिस के बाद मैं और पारुल दोनों तुमको कॉफी शॉप में मिलते हैं, ठीक है? हाँ जरूर। इतने सालों बाद निशा और पारुल से मिल रहा हूँ, कोई अच्छा सा गिफ्ट तो होना ही चाहिए। वो घर से निकलकर कुएं के पास पहुँचा, फिर उसने बाल्टी उसके अंदर डाली और जब खींचने लगा तो वो फिर से अटक गई। मुझे आज एक अच्छा सा सोने का नेकलेस और एक ब्रेसलेट चाहिए। ऐसा बोलकर उसने बाल्टी को ऊपर खींचा तो पानी के साथ साथ सोने का एक भारी भरकम नेकलेस और ब्रेसलेट भी ऊपर आ गया। अरे वाह! रवि बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर पहुंचा। अगले दिन ऑफिस के बाद वो निशा और पारुल से मिला। इतने दिनों बाद कॉलेज की यादें ताजा करके मजा ही आ गया यार। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, है ना? अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। ये कहकर उसने अपने बैग से वो नेकलेस और ब्रेसलेट निकालकर दोनों को एज अ गिफ्ट दे दिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार, अभी तो तुमको तुम्हारी पहली सैलरी भी नहीं मिली। अरे रख लो। कुछ देर और बातें करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर को पहुंच गए। अब ये टाइम 11 बजे का था। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रवि का दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था और आईने में खुद को देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ धुआं सा उठता हुआ नजर आया।
उसने जैसे ही पलट कर देखा तो वो धुआं एक आकृति लेने लगा और फिर एक भयानक लड़की के रूप में बदल गया। उस लड़की ने निशा का गला पकड़ा और उसको पीछे की तरफ ऐसा धक्का दिया कि निशा का सर ड्रेसिंग टेबल के आईने को तोड़ता हुआ उसके पार हो गया। निशा की गर्दन कट गई और वो जमीन पर ढेर हो गई। सुबह जब पारुल निशा के घर पहुंची तो उसको निशा की मौत के बारे में पता चला। तभी उसने रवि को कॉल करके उसकी मौत की खबर दी। मैं अभी वहां आ रहा हूं। रवि ने जैसे ही कॉल कट किया उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में जैसे कोई भारी भरकम चीज पड़ी हुई है। उसने देखा तो उसके पैरों में एक बेड़ी पड़ी हुई थी। सोने की बेड़ी? अब रवि ने देर नहीं की, वो उसी टाइम जाकर पारुल से मिला और उसने उसको सब कुछ बता दिया। रवि, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। उस कुएं के बारे में अच्छे से जाने बिना तुमको उससे ख्वाहिशें नहीं मांगनी चाहिए थी। आज रात तुम उस कुएं पर जाओगे तो मैं छिपकर देखूंगी। तुम उससे पूछना कि इस बेड़ी का तुम्हारे पैरों में आने का क्या मतलब है। रात को रवि कुएं पर पहुंचा और पारुल छिपकर सब कुछ देख रही थी। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, मेरे पैरों में ये बेड़ी किस लिए आई है? इस कुएं से तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन जो भी तुम इस कुएं से मांगोगे उसका इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुमने वो चीजें किसी और को दी तो उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसका मतलब है कि निशा की मौत भी इसी वजह से हुई? हाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया सब वापस ले लो। तुम जितनी ख्वाहिशें मांग सकते थे मांग चुके, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही एक मोटी जंजीर कुएं से निकली और उसके पैरों में पड़ी बेड़ी में बंध गई। धीरे धीरे जंजीर उसको कुएं की तरफ खींच रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। तुमने जो कुछ भी लिया है अगर वो सब वापस कुएं में डाल दो तो ही तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होगा। सुबह होने से पहले ये बेड़ियां तुमको कुएं के अंदर ले जाएंगी और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इसी कुएं के अंदर रहोगे। अब पारुल ने देरी नहीं की, वो रवि के घर गई और उसने कबर्ड में रखे हुए पैसों का पैकेट निकाला। वो जैसे ही मुड़ी तो पहले से ही भयानक लड़की पीछे खड़ी थी। तभी पारुल ने अपने हाथ में पहना ब्रेसलेट उतार दिया। ऐसा करते ही वो उससे अलग हो गई। फिर पारुल तेजी से घर से निकलकर कुएं की तरफ भागी। पास ही वो लड़की उसको खा जाने की निगाहों से देख रही थी। उसने रवि की उंगली से अंगूठी उतार ली। पारुल ने देर न करते हुए पैसों का पैकेट, ब्रेसलेट और वो अंगूठी कुएं में फेंक दी। वो बहुत जोरों से चिल्लाई, कुएं से पानी ऊपर उठा, एक भंवर सी आई और उस लड़की को अपने साथ कुएं के अंदर ले गई और सब कुछ शांत हो गया। थैंक यू पारुल, ऐसा कहकर रवि उसके गले लग जाता है। किसी गांव में एक किसान की पत्नी और उसका बेटा रहा करते थे। किसान की कुछ वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। किसान अपने गाँव का जाना माना और ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसका बेटा बिल्कुल ही निकम्मा था। वो कोई भी काम नहीं करता था। किसान की मृत्यु के बाद जो कुछ घर में था वह सब खत्म हो गया था, यहाँ तक कि बर्तन भी बिक गए। उसकी माँ उससे रोज कहा करती थी, बेटा कुछ काम कर, घर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन बेटा एक भी नहीं सुनता था और पूरा दिन अपने दोस्त यारों के साथ मस्ती में घूमने फिरने में लगा देता था। बेटा, आज घर में खाने के लायक कुछ नहीं बचा है, अब कुछ ना कुछ काम करो वरना भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है माँ, मैं आज ही मंडी जाता हूँ और कुछ मजदूरी का काम करता हूँ। किसान का बेटा पूरे दिन मंडी में भटकता रहता है, लेकिन उसे उसके लायक कोई भी काम नहीं मिलता क्योंकि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं था। वो उदास होकर घर लौट आता है और माँ को सारी घटना बताता है। कोई बात नहीं बेटा,
कल फिर जाकर कोशिश करना, कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। नहीं, मैं कल मंडी नहीं जाऊंगा, कल मैं शहर जाऊंगा। शहर में जाकर कुछ काम करूंगा और अच्छा पैसा कमा लूंगा। ठीक है बेटा, कल तुम सुबह ही शहर के लिए रवाना हो जाना, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बांध दूंगी। सुबह उठकर उसकी माँ पड़ोसी से कुछ अनाज और चावल लाती है और भात रोटियाँ बनाकर बांध देती है। बेटा, इसमें कुछ भात और रोटियाँ हैं, अगर रास्ते में भूख लगे तो निकाल कर खा लेना। ठीक है माँ, मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगा। बेटा शहर की तरफ चल देता है और जंगल से गुजरता है, किंतु उसे चलते चलते जंगल में ही बहुत देर हो जाती है और शाम हो जाती है। कुछ दूरी पर वो देखता है कि एक पीपल का वृक्ष है और उसके पास कुआं है। उससे उत्तम रुकने की कोई जगह नहीं होगी, ये सोचकर वो वहीं पर रुक जाता है। उसे भूख भी लगने लगती है, वो गठरी खोलता है, उसमें से चार रोटी निकालता है। वो उन्हीं चार रोटियों को कुएं के चारों कोनों पर रख देता है और जोर से चिल्लाता है, एक खाऊं कि दो खाऊं कि चारों चपेट जाऊं। उसी कुएं में चार चुड़ैल रहती थीं। वे चुड़ैल ये आवाज सुनकर दंग रह जाती हैं और कहती हैं, ये हमसे और ताकतवर और बड़ा शैतान कौन आया है कि हमें एक नहीं दो नहीं चारों को खाने की बात करता है। नहीं नहीं, हमें मत खाइए, हमें मत खाइए। तुम्हें एक कड़ाही देते हैं, इसको लीप पोत कर रख देना और कह देना कि सत्य की सांची, चुड़ैलों की करैया, 56 भोजन बनेंगे और 56 भोजन बनेंगे तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। ठीक है। बेटा कड़ाही लेता है और घर आ जाता है और माँ को सारी घटना बताता है। माँ कढ़ाई को लीप के रख देती है और बेटा कहता है, हे सत्य की सांची, चुड़ैलों की कढ़ाई 56 भोजन बनन दे, तभी 56 भोजन बनने लगते हैं। और माँ बेटा खाकर बड़े आनंद से रहने लगते हैं। किंतु कुछ समय बाद गांव के जमींदार को पता चलता है और वो अपने नौकरों के साथ आकर उस कढ़ाई को छीन ले जाता है। माँ बेटा फिर से भूखों मरने लगते हैं। कुछ दिन बाद बेटा फिर उसी जंगल में जाता है और उसी कुएं के पास पहुंचता है और चारों कोनों पर चार रोटियां रख कर कहता है, एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीन खाऊं कि चारों चपट जाऊं। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, तुम फिर आ गए, तुम्हें कड़ाही दी तो थी, क्या हुआ उसका? उसे गांव के जमींदार ले गए। एक बकरी ले जाओ, इसे लीप कर खड़ा कर देना और कहना कि सत्य की सांची, चुड़ैलों की बकरी, सोने की लेडी हगन दे। बेटा घर पर बकरी लाता है और उसे लीप कर खड़ा कर देता है और कहता है, सत्य की सांची, चुड़ैलों की बकरी, सोने की लेडी हगन दे। देखते ही देखते सोने की लेडियों का ढेर लग जाता है और माँ बेटा फिर से आनंद से रहने लगते हैं। किंतु कुछ समय बाद जमींदार को फिर से पता चल गया और वो अपने नौकरों के साथ आकर जबरदस्ती उस बकरी को ले गया। बेटा उसकी माँ फिर से गरीब हो गए। कुछ समय बाद बेटा फिर उसी कुएं के पास जाता है और चार रोटियों को चारों कोनों पर रखता है और कहता है, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं कि चारों चपेट जाऊं। चुड़ैल फिर से डर जाती हैं। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमने तुम्हें बकरी दी तो थी, उसका क्या हुआ? उसे तो जमींदार फिर से छुड़ा ले गया। अब तुम एक ईंट ले जाओ और इसे लीप कर रखना और कहना, चुड़ैलों की सत्य की सांची, ईंट का महल बना दे। बेटा घर पर ईंट लाता है और उसे लीप कर रख देता है और कहता है, चुड़ैलों की सत्य की सांची, ईंट एक महल बन जान दे। देखते ही देखते एक शानदार महल बन जाता है, लेकिन जमींदार फिर से उस ईंट को जबरदस्ती ले जाता है। बेटा फिर से उसी कुएं के पास जाता है और चार रोटियां चारों कोनों पर रख कर कहता है, एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीन खाऊं कि चारों चपेट जाऊं। नहीं, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमने तो तीन तीन चीजें दी थी, लेकिन तुमने एक भी संभाल कर नहीं रखी। हमें ज्ञात है उसको फिर से जमींदार ले गया होगा,
अब तुम एक डंडा ले जाओ। जब जमींदार और उसके नौकर आए तो इसे लीप कर रख देना और कहना, सत्य की साची चुड़ैलों का डंडा नौकर और जमींदार में लगे लगे होने दे। बेटा उस डंडे को घर पर लेकर आता है। कुछ देर में जमींदार भी अपने नौकरों के साथ आता है। आज क्या लेकर आए, जरा हमें भी तो बताओ। जो भी लाए हो हमारे हवाले कर दो। हाँ जरूर बताएंगे जमींदार साहब, आप जरा ठहरो, अभी बताते हैं। बेटा उस डंडे को लीप कर रखता है और कहता है, चुड़ैलों का डंडा इन नौकरों में और जमींदार में लगे लगे होने दे डंडा। डंडा खड़ा हो जाता है और अचानक नौकरों और जमींदार को पीटने लगता है। जमींदार और नौकर अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। डंडा बहुत पीटता है। वे गांव से होते हुए अपने घर की तरफ भागते हैं। जमींदार की डंडे से उसके घर पर भी बहुत पिटाई होती है। कहता है, डंडे को रोक लो, डंडे को रोक लो, मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस कर दूंगा। बेटा डंडे को रोक लेता है और सारी चीजें लेकर घर वापस आता है। अब उन्हें सारी चीजें मिल जाती हैं और माँ बेटा आनंद से रहने लगते हैं। एक गांव में गजराम नाम का किसान अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। गजराम का बहुत बड़ा गन्ने का खेत था। गजराम इस बार की अपनी फसल देखकर बहुत खुश था। इस बार इतनी घनी फसल हुई है कि हाथी भी घुस जाए तो पता नहीं चलेगा। लगता है अब हमारी बरसों की ख्वाहिश पूरी होगी। जिस अधूरी ख्वाहिश को लेकर पिताजी मरे थे, इस बार की फसल बेचकर हम कार खरीद पाएंगे। जब गांव वाले हमारे पास कार देखेंगे तो जल भूनकर मर जाएंगे। हमारी पड़ोसी रानी तो बेहोश हो जाएगी और खुद को रानी की जगह नौकरानी महसूस करेगी। रात में 2 बजे गजराम अचानक जाग पड़ा। ओ, मेरा खेत, मेरे गन्ने, मैं तो लुट गया। क्या हो गया, यू सोते सोते क्यों चिल्लाने लगे? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना? मैंने देखा कि एक हाथी ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है। मैं अभी खेत पर जाऊंगा और देख कर आऊंगा। नहीं जी, इतनी रात में कहीं जाना ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे गांव में भूत प्रेत की घटनाएं होती रहती हैं। अगर फसल खराब हो गई तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। गजराम अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और रात में ही खेत की तरफ चल देता है। गजराम खेत पर पहुंचा तो उसने खेत के अंदर से हाथियों की आवाज सुनी, लेकिन उसे कोई हाथी दिखाई नहीं दे रहा था। गजराम ने डंडा लिया और खेत के अंदर घुस गया। हाथी की आवाज लगातार आ रही थी। हाथी राजा, तुम जहाँ भी हो मेरे खेत से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें डंडे मार मार कर मार डालूंगा। तभी एक हाथी उसके सामने आ जाता है। हाथी बिल्कुल काला था, उसके दांत खून से सने हुए लंबे और नुकीले थे, आँखें बिल्कुल लाल थी। हाथी गजराम को कुचलने के लिए बढ़ता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे भाई बचाओ, ये हाथी मेरे पीछे पड़ गया है, बचाओ बचाओ। गजराम काफी देर तक दौड़ता रहा। जब उससे और नहीं दौड़ा गया तो वो कुएं के पास रुककर सांस लेने लगा। कुएं से हाथी की सूंड बाहर निकलती है और गजराम को कुएं के अंदर खींच ले जाती है। बचाओ बचाओ। गजराम की पत्नी ने ये सब देख लिया। जब वो कुएं पर पहुंची तो उसने देखा कि कुएं में कुछ भी नहीं है। शोभा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरे कसम को भूतिया हाथी ले गया, अरे ले गया, गांव वालों ले गया। अब मैं करवा चौथ पर चलनी के अंदर से किसका मुंह देखूंगी। शोभा की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ, क्यों रो रही हो, हमारी नींद खराब कर दी। तुम्हें नींद की पड़ी है, एक भूतिया हाथी मेरे पति को पुराने कुएं में खींच कर ले गया। भूतिया हाथी? सब गांव वाले पुराने कुएं में जाकर देखते हैं, लेकिन कुआं खाली था। इस कुएं में तो कुछ भी नहीं है, लगता है शोभा पागल हो गई है। मैं इसके पति से रामपुर जाते हुए मिला था, वो 7 दिन बाद लौटेगा। मैं पागल नहीं हूँ, वो रामपुर गए थे लेकिन 2 दिन बाद ही लौट आए थे।
एक हाथी भला किसी कुएं में कैसे जा सकता है? चलो गांव वालों, चलकर सोते हैं, ये हमारा टाइम खराब कर रही है। गांव वाले शोभा की बात पर विश्वास नहीं करते और उसे छोड़कर चले जाते हैं। कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अपने पति को वापस ला कर रहूंगी। शोभा कुएं के अंदर घुसती है। उसे कुएं के अंदर एक सुरंग दिखाई दी। शोभा सुरंग के अंदर घुसती गई। अचानक उसने देखा कि सामने से एक भयानक काला हाथी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। सुरंग में जगह नहीं थी, इसलिए शोभा को पीछे की तरफ भागना पड़ा। वो सुरंग से निकलकर कुएं में जा गिरी। शोभा ने देखा कि भारी भरकम हाथी उसके ऊपर गिरने वाला है। शोभा अपनी आंखें बंद करती है और जोर से चीखती है, लेकिन शोभा के ऊपर हाथी नहीं गिरा। उसने आश्चर्य से आंखें खोली और खुद को अपने गन्ने के खेत में पाया। हाथी उसके सामने खड़ा था। तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पति कहाँ है? 30 साल पहले की बात है। गजराज के पिता सेठ मालीचंद इस खेत पर गन्ने उगाया करते थे। एक दिन मेरे बच्चे ने खेत में से कुछ गन्ने उखाड़ दिए। इतनी सी बात पर सेठ मालीचंद को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे बच्चे को बंदूक से मार दिया। फिर जब मैं अपने बच्चे को ढूंढती हुई खेत पर पहुंची, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी बंदूक चला दी। मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन कुएं में जा गिरी और मर गई। हम जानवरों के लिए किसी ने न्याय की आवाज नहीं उठाई। अब तुम बताओ, जब तुमसे तुम्हारा पति छीन गया और फिर मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं अपने ससुर जी की तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं खेत में आने वाले किसी जानवर को नहीं मारूंगी, लेकिन मेरे पति को वापस लौटा दो। चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। हथिनी गजराज को कहीं से वापस ला देती है और फिर गायब हो जाती है। गजराज और शोभा अपनी 1/4 गन्ने की फसल हाथियों और बाकी जंगली जानवरों को खिलाते हैं। सागर का ट्रांसफर एक रिमोट एरिया में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ? दूर तक फैले पहाड़ और जंगल, ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे तुझे। तो अपना ध्यान रख, मेरी फिक्र छोड़ दे, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। रोहन, मारिया, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। गौरी अब तक महानगरों में रही थी और उसे वहीं के जीवन की आदत थी। उसे घर का सारा काम संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। गौरी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। आ रही हूँ। गौरी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत खड़ी थी। मेरा नाम लक्ष्मी है, क्या आपके इधर किसी काम वाले की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाले के बारे में सोच ही रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाले की जरूरत है? किसी ने मुझे बताया नहीं। मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर से कुछ लोग यहाँ रहने आए हैं, शायद उन्हें काम वाले की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है, और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। किचन किस तरफ है? ओहो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, नया घर है तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये बात इसे कैसे पता कि किचन दाईं तरफ है? सुनो लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाईं तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रहकर गए थे, तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है, घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। गौरी बस 1 मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लक्ष्मी ने सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। इतनी जल्दी तुमने सारे बर्तन धो लिए? मेरे काम करने की स्पीड बहुत तेज है। रात में मारिया अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी, तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। मारिया बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे लक्ष्मी की लाश पड़ी हुई थी। मारिया की चीख सुनकर सागर और गौरी मारिया के कमरे की तरफ दौड़े। मारिया अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। क्या हुआ मारिया, क्या हुआ?
मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। सागर और मारिया बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है मारिया, लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन रोहन स्कूल से लौटा तो घर पर लक्ष्मी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती है। रोहन देखता है कि बिना सिर की लक्ष्मी अपना भयानक खून से सना सिर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद गौरी बाजार से घर लौटी। रोहन कहाँ हो? चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब रोहन का कोई जवाब नहीं आया तो गौरी रोहन के कमरे में गई। रोहन धरती पर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। गौरी रोहन को तुरंत कार में डालती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, शायद आपका बेटा एकदम से जमीन पर गिर पड़ा था, इसलिए सर पर चोट लगी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उधर सागर ड्यूटी से घर वापस लौटा। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर खेलने गए हैं। सागर गौरी को गोद में उठा लेता है। बहुत दिनों बाद तुम घर पर आज अकेली मिली हो। सागर को पता नहीं था कि वो गौरी के रूप में लक्ष्मी है। असली वाली गौरी रास्ते से घर लौट रही थी, उसे एक औरत मिली। क्या हुआ? मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि आप अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। हाँ, हम कुछ दिन पहले ही नए घर में आए हैं। हमारे घर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। बच्चे डर रहे हैं। मेरे लड़के को आज पता नहीं कैसे चोट लग गई। क्या आप यहीं आसपास रहती हैं? हाँ, वो सामने जो घर देख रही है ना, वो मेरा ही है। आपके घर पर कौन कौन है? मैं, मेरे दो बच्चे, मेरे हस्बैंड और अभी हमने एक काम वाली भी रखी है, लक्ष्मी। शायद आप उसे जानती होंगी। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी जो काम करने में बहुत तेज है। लेकिन लक्ष्मी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे, उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। लक्ष्मी उन साहब के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी को साहब से प्रेम हो गया। शायद वो साहब भी लक्ष्मी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन लक्ष्मी की हत्या कर दी। लक्ष्मी गरीब थी इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। गौरी घर की तरफ दौड़ती है। सागर घायल और लड़खड़ाता हुआ घर के बाहर आ रहा था। भागो यहाँ से, अंदर कोई चुड़ैल है, वो तुम्हारे भेष में है, उसने तो मुझे मार ही डाला था, बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। भागो यहाँ से, भागो। सागर और गौरी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वे दरवाजे पर एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में लक्ष्मी की आत्मा रहती है, कृपया यहाँ प्रवेश ना करें।